हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, आशा करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आपका कक्षा दो में। तो आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला से हिंदी की भूमिका पार्ट छः। जी हाँ, आज हम कराएंगे पार्ट छः, और पार्ट छः का जो शीर्षक है वो है छमा छम बरसे बादल। और ये कविता जो है बच्चों बहुत अच्छी है। जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको सचमुच ऐसा लगेगा जैसे सचमुच में बारिश आ रही है, और बारिश में कितना अच्छा कितना मज़ा करते हैं सब लोग, है ना। तो ऐसी ही हमारी आज की कविता है, और कविता से पहले हम बताएंगे बदलते मौसम जीवन में नवीनता और उल्लास का संचार करते हैं। विशेषकर बरसात का मौसम बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत प्रिय होता है। प्रस्तुत है इसी ऋतु पर आधारित यह कविता, और चलिए अब हम इस कविता का आनंद उठाते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं। छम छमा छम बरसे पानी, भीगे गलियां भीगे गैया, भर गए सारे ताल तलैया, और मेंढक चला मेंढक बनने चला गवैया। गवैया किसको बोलते हैं, जो गाना गाते हैं। मेंढक बनने चला गवैया, और फिर क्या होता है बरसात में बारिश में, खिड़की से टकराए फुहारे, पानी की फुहारें खिड़की से टकराती हैं, गिरती तेज पानी की धारें, सारे बच्चे लगे मचलने, और एक दूजे का नाम पुकारे। कैसे पुकारेंगे, आ जाओ आ जाओ, आप कहते तो बारिश हो रही है चलो बाहर आ जाओ, तो ऐसे ही सब बच्चों का नाम पुकारे। और फिर भीगी चिंकी भीगी टिंकी, भीगे राजू शोभित प्राची, अंदर आ जाओ जल्दी से लग जाएगी तुमको खांसी, माँ ठहरो थोड़ा और नहा लूँ, बारिश का जरा मजा उठा लूँ, कुछ नहीं होगा आप डरो ना, फिर कब मिलेगा ऐसा मौका। कितनी मजेदार कविता है ना। आ जाओ आ जाओ, जरा आप भी आओ, बच्चे कह रहे माँ आ जाओ जरा आप भी आओ, फिर बचपन अपना दोहराओ, सोंधी मिट्टी महक रही है, सारी कलियां चटक उठी हैं, सच बारिश है बड़ी सुहानी, सुन लो सबको बात बतानी। कितनी अच्छी कविता थी ना बारिश की, कितना अच्छा लगा। तो बच्चों हमने इस बारिश की कविता का बहुत आनंद उठाया, और आप इस कविता को याद करिएगा, ठीक है। तो हमारा इसमें नैतिक मूल्य क्या है, बदलते मौसम, जो मौसम बदलते हैं हमें उसका हमेशा आनंद उठाना चाहिए, हमेशा हर मौसम का हमें आनंद उठाना चाहिए। और अब हम करते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। गवैया का अर्थ गीत गाने वाला, सोंधी मतलब भीगी मिट्टी की खुशबू, सुहानी का अर्थ है अच्छी लगने वाली, और फुहारे यानी कि बारिश का जाल, ठीक। और अब क्या कर रहे हैं, अब आ रहे हैं हम सही विकल्प पर, हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले है छम छमा छम, कौन बरस रहा है, बिजली बादल तारे या इनमें से कोई नहीं, छम छमा छम बरस रहे हैं बादल। गवैया कौन बनने चला, मेंढक सर्प खरगोश या तोता, गवैया बनने चला मेंढक। कौन चटक उठा है, पेड़ों की पत्तियां कलियां टहनियां या इसमें से कोई नहीं, चटक उठी है कलियां, हमने कलियों पे निशान लगाया। बच्चों की बारिश में भीग जाने पर क्या होता है, किस चीज़ का डर रहता है, ज्वर का मलेरिया का खांसी का या इसमें से कोई नहीं, बच्चों जब भीग जाते हैं तो खांसी आती है ना, तो किसके, हाँ इसके सही निशान लगाएंगे हम, हमने लगाया खांसी पे निशान। और अब क्या है, अब हमें रिक्त स्थान भरने हैं। सबसे पहले है भीगे गलियां, कविता में था भीगे गलियां भीगे गैया, गैया किसे बोलते हैं, गांव को गाय को, गाय को गैया बोलते हैं, सारे बच्चे लगे मचलने, यहाँ पे क्या आएगा, सारे बच्चे लगे मचलने, फिर अपना दोहराओ, क्या दोहराओ, फिर बचपन, फिर बचपन अपना दोहराओ, और सच बारिश है बड़ी, कैसी है बारिश, सच बारिश है बड़ी
सुहानी, सच बारिश है बड़ी सुहानी। तो बच्चों अभी हमने क्या किया, अभी हमने रिक्त स्थान भरे और इसके बाद क्या है, प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर जैसे कि हमें पता है, इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों एक बार आप फिर से कविता को अच्छे से पढ़ेंगे और इन कविताओं के, इन प्रश्नों के आप उत्तर स्वयं लिखेंगे। तो इसके साथ हमारी ये बहुत अच्छी कविता छम छमा छम बरसे बादल समाप्त होती है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।